बागपत में हरियाणा बॉर्डर की निवाड़ा पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस व फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कार से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए, जिसको जब्त कर लिया गया है और मेरठ की आयकर विभाग की टीम को सौंप दिया गया है। आयकर विभाग की टीम रुपयों को लेकर जांच कर रही है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में फ्लाइंग स्क्वाड की 27 टीमों को लगा दिया गया है। वह सबसे ज्यादा हरियाणा बॉर्डर के साथ ही अन्य जिलों के बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रही है। उनके अनुसार निवाड़ा चौकी पर सोमवार रात करीब 11:30 बजे फ्लाइंग स्क्वाड टीम के अलावा पुलिस व आबकारी विभाग की टीम भी चेकिंग में लगी थी। तभी हरियाणा की तरफ से आई एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया, जिसकी चेकिंग करने पर नोटों की गड्डियों से भरा बोरा मिला। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के मजिस्ट्रेट गौरव ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी तो वहां सीओ एसडीएम समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। उन रुपयों की जांच कराई गई तो वह रुपये पूरे 1.5 करोड़ निकले।